सुबह को डंकी आने वाली है भाई। अब आप क्या सोच रहे हो, जल्दी से जाकर टिकट बुक कर लो। मैंने तो कर ली। एंड डंकी का अब एडवांस बुकिंग की बात करें तो 5.5 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है उसके। काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 5.5 लाख टिकट सोल्ड आउट होना मेरी सिटी के अंदर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे थिएटर फुल है, और है इतने लेकिन सारे ऑलमोस्ट सारे फुल है। तो मैं तो कहूँगा कि आप भी जाके अब विथ फैमिली जाके देखो, क्योंकि लाइक ऐसी मूवीज बार बार नहीं बनती है। एंड राजकुमार हिरानी की मूवी है, लाइक राजकुमार हिरानी ने अपनी इतनी ज़्यादा मूवीज डायरेक्ट नहीं की, 5 मूवी डायरेक्ट की थी। मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, PK एंड 3 इडियट्स ऐसी मूवीज डायरेक्ट की थी, सारी की सारी ब्लॉकबस्टर। एंड ये भी मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मेरे को कि ब्लॉकबस्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ आराम से लोगों के दिल में बस जाएगी। जहाँ पे इसका जो गाना था ओ मेरी मन्नू काफ़ी लोगों को पसंद आया था। अब उस हिसाब से अगर देखें तो मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। एंड इसके जितने भी ड्रॉप आ रहे, जो फर्स्ट ड्रॉप आया था जिसके अंदर हमें ट्रेलर कह सकते टीजर कह सकते वो दिखाया, सेकंड ड्रॉप आया था उसके अंदर हमें एक गाना दिखाया गया था, थर्ड के अंदर एक फिर से गाना, फोर्थ के अंदर उसका पूरा एक फाइनल ट्रेलर देखने को मिला था। एंड अब फिफ्थ हमारा ड्रॉप आया है, वो भी काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। उसके अंदर भी लाइक जितने भी पिछले ड्रॉप थे उनसे थोड़ा हट के कहानी दिखाई गई है, तो जितने भी ड्रॉप आ रहे हैं उनसे तो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड अभी पता नहीं 1-2 ड्रॉप और आएंगे, क्योंकि रिलीज़ होने में काफ़ी टाइम बचा है, लाइक 10-15 दिन पड़े हैं अभी रिलीज़ होने में। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि शाहरुख सर अपना कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे एंड कुछ ना कुछ तो धमाकेदार करके दिखाएंगे। बाकी मूवी की स्टोरी तो आपको पता ही है, हमारी जो बेसिकली हमने सोचा था कि ड्रॉप मतलब क्या है, लाइक शाहरुख खान की न्यू तरीके से, जैसे जहाँ पे जवान आए थे तो उसको मतलब उसकी जितनी भी टीजर थी उनको प्रीव्यू दिखाया था, मतलब प्रीव्यू टीजर हमने मतलब पहली बार सुना था प्रीव्यू का। बाकी अब उसको ड्रॉप नाम दिया गया, तो बेसिकली अब जब मैंने स्टडी की तो पता चला कि ड्रॉप लिटरली कोई मतलब ऐसे शाहरुख खान के दिमाग से निकला हुआ आइडिया नहीं है। बेसिकली जिस कंट्री से दूसरी कंट्री पे जो आदमी चाहे जाते हैं बाई शिप वगैरह एंड किसी भी अदर ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो उसमें जो मतलब कंटेनर के अंदर जितने भी आदमी भर के मतलब पर्टिकुलर 30-15-20 जितने भी आदमी होते हैं उन सबको उस शिप में डाल के उस कंटेनर में डाल के अगर हम दूसरे मतलब देश के अंदर भेजते हैं तो उस 15-20 आदमियों के एक समूह को बेसिकली ड्रॉप बोला जाए। एंड उसी एक ड्रॉप के अंदर हमारे शाहरुख खान जाएंगे एंड शाहरुख खान के 4-5 उल्लू के पट्टे दोस्त जाएंगे जो कि उनको लालटू गाँव के अंदर मिले थे। विक्की कौशल तो शायद उनकी तो डेट हो जाती है, लेकिन वो 4 जो कि मेन कैरेक्टर है शाहरुख खान एंड वो पाजी, दूसरे वो बारबर, तीसरा हमारी मनमारी तापसी पन्नू, वह चारों जाएंगे। एंड शायद हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद विक्की कौशल की अस्थियाँ वहाँ पे बाहर निकले जाती है एंड वहाँ पे कुछ होता है, लाइक वो एक चर्च वाला सीन भी देखा था जहाँ पे वो मना कर देते हैं तो उनका गला पकड़ लेते शाहरुख खान। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि शाहरुख खान वहाँ पे उनकी अस्थियाँ बहाने के लिए गई हो। बाकी मूवी फैमिली के साथ देखने वाली है तो लिटरली काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है मूवी के लिए। बाकी आप बताओ आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। मैं तो शाहरुख खान की मूवी है विद राजकुमार हिरानी डायरेक्शन के साथ में आ रही है, तो जरूर जाके देखूंगा। बाकी आप बताओ कमेंट सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।